अश्वेत पद्मासना या ब्रह्माच प्रभृति देवै सदा वन्दिता पातु सरस्वती भगवती तो परिश्रम करना बहुत जरूरी है। मुख्यातिथि तो महोदय ने कहा और हिम्मत को छोड़े मैं ये हूँ वो हूँ नहीं कुछ नहीं, आप परिश्रम में लगे मेहनत से काम करें। आदमी प्रवक्ता महोदय ने बता सुना संस्कृत में क्या नहीं मैं जाता है ना सुनी जाता जो प्रचार इतना आकर्षण इतना सरल भरा पड़ा है उसमें और शुभ का हस्ती प्रसन्न
पुनः अंते वदामि भाषायाः प्रमुखं कारणं भाषायाः शिक्षस्य प्रमुखं कारणमस्ति सम्भाषणं उदाहरणं वदामि भारत के संविधान में राष्ट्रीय सूची में 28 भाषाओं को रखा है उसमें हमारा संस्कृत भी है भोजपुरी भी मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने भोजपुरी कितना दिन हुआ लिखे हुए कभी लिखा है भोजपुरी कहां लिखा कब पायति दुग्धं भोजयति भक्तं लालयति नित्यं तोषयति चित्तं तोषयति चित्तं तोषयति चित्तं मम माता देवता मम माता देवता सायंकाले नीराजयति पाठयति च मां शुभं करोति सायंकाले नीराजयति पाठयति च मां शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा दुष्टबुद्धि विनाशाय दीपे नमोस्तुते मम माता देवता मम माता देवता धन्यवाद श्रीमन्तः नीलमणि पाठक महोदयाः अथ च मुख्यातिथिरूपेण सम्प्राप्ताः अस्मत् सुहृदः डॉक्टर संजय कुमार चौबे महाभागाः अथ च अस्य दशदिवसीय संभाषण शिविरस्य सूत्रधार रूपेण विराजमानाः यद्यपि इदानीम् अस्यां सभायाम् उपस्थिताः न सन्ति चन्द्रकिशोर महाभागाः अस्य संभाषण शिविरस्य प्रशिक्षकाः राजेश मिश्र महाभागाः इतरे उपस्थिताः आचार्याः शिक्षकाः महान् प्रमोदस्य विषयः यत् तावत् एतावन्तः छात्राश्च दशदिवसं यावत् देववाण्याः आराधनं कृतवन्तः नूनमेव एतासां भविष्यं समुज्ज्वलं भविष्यन्ति इति विश्वासः दृढीयान् विश्वासः वर्तते यतोहि मम मित्राणि डाक्टर् सत्येन्द्र पाण्डे महाभागाः अस्य शिविरस्य सञ्चालकाः श्रीमन्तः राजेश मिश्र महानुभावाः पृष्ठतः उपविष्टाः अत्र कार्यक्रमस्य सूत्रधाराः चन्द्रकिशोर महोदयाः अजय महोदयाः मे प्रियछात्राः तेषां तासाम् अत्र समुपस्थिताः अभिभावकाः अहं सम्बोधनानन्तरं भवतु नाम यदि भवन्तः इच्छन्ति चेत् अहं संस्कृते वदामि अन्यथा हिन्दीभाषायां प्रकृतविषयं किं संस्कृतपठनेन को लाभः भवेत् इति विषये अहं हिन्दीभाषायां स्वकीयान् विचारान् प्रस्तौमि।
किं वाञ्छन्ति भवन्तः संस्कृते अथवा हिंदी भाषायां सर्वेषां सुकरं भवेत् अतः किमपि ये अभिभावकाः सन्ति तेषां प्रति अतः किमपि हिन्द्यामपि श्रुण्वन्तु सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं कि ये जो शिविर है उस शिविर की क्या खूबसूरती मुझे नजर आती है। यह देख करके होता है कि पानगी होती कार्यक्रम घंटों घंटों चलते हैं लेकिन उस कार्यक्रम का संक्षिप्त और सारांश रूप जब हम प्रस्तुत करते हैं तो उसे पता चल जाता है। कहते हैं ना लिफाफा देख करके मजमून का पता चलता है कि उसमें विषय क्या है। इन छात्रों ने छात्राओं ने अलग अलग क्षेत्र से आए हुए जो अध्यापक हैं उन लोगों ने 10 दिवस में क्या सीखा क्या जाना वो हम बैठे बैठे यही अनुभव कर रहे थे। एक कहावत है संस्कृत में किसी ने कहा धातु पुरा गोपिन